वेलकम बैक टू चैनल अगेन। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और आज का वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाला है। देखो, एमजी कंपनी ने ऑफिशियली एस्टर को इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया है और बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइसेस के साथ इस कार को इंडियन मार्केट में उतारा गया है। लेकिन सबसे अट्रैक्टिव चीज़ है एमजी एस्टर की, वो है इसका बेस वेरियंट, क्योंकि इसके बेस वेरियंट के अंदर काफ़ी कमाल के फीचर्स को इंक्लूड किया है। बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं जो कि फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर्स आपको बेस वेरियंट के अंदर देखने को मिल जाएंगे। इस वीडियो के अंदर मैं एमजी एस्टर के बेस वेरियंट के बारे में डिटेल में बात करूंगा और ये जानने की कोशिश करेंगे कि एस्टर का जो बेस वेरिएंट है स्टाइल, ये वैल्यू फॉर मनी साबित हो सकता है या फिर नहीं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कर देना, एंड तक देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। सबसे पहले हम इंटीरियर फीचर्स से स्टार्ट कर लेते हैं। इसके इंटीरियर में सॉफ्ट टच मटेरियल का इस्तेमाल किया हुआ है डैशबोर्ड के ऊपर, इसके अलावा डोर्स के ऊपर, और काफ़ी प्रीमियम लेदर का इस्तेमाल इसके डैशबोर्ड के ऊपर भी आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अपोस्ट्री सीट्स और डोर के ऊपर भी आपको लेदर की ट्रीटमेंट देखने को मिल जाएगी। तो ये चीज़ें आपको बेस वेरियंट के अंदर देखने को मिल जाएगी एस्टर के। इसके अलावा इसका जो इंटीरियर का थीम है वो आपको ड्यूल टोन कलर के साथ देखने को मिल जाएगा, ये भी काफ़ी हद तक कमाल की बात है। ड्राइवर के लिए पावर स्टीयरिंग व्हील का इस्तेमाल इसके बेस वेरियंट के अंदर किया जाएगा। इसके अलावा ड्राइविंग के 3 मोड्स इसके अंदर आपको मिलने वाले हैं, तो ये एक चीज आपके सामने है। इसके अलावा एंटरटेनमेंट के लिए 10.1 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको बेस वेरिएंट के अंदर देखने को मिल जाएगा। बहुत ही कम कार कंपनियां हैं जो कि अपने बेस वेरिएंट के अंदर टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम प्रोवाइड करती है, उनमें से एक है एमजी। एमजी कंपनी ने एस्टर के बेस वेरिएंट के अंदर टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम प्रोवाइड किया है, ये भी काफी हद तक कमाल की बात है। इसके अलावा इसका जो टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है इसके अंदर आपको एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले का सपोर्ट भी मिलने वाला है। गाने सुनने के लिए आपको स्पीकर्स भी मिलेंगे, 4 ट्वीटर्स का इस्तेमाल इसके अंदर किया जाएगा। इसके अलावा हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट इसके अंदर दिया जाएगा। ड्राइवर के जो विंडो है वो 1 टच डाउन हो जाएंगे, अप नहीं होंगे, सिर्फ डाउन हो जाएंगे। तो ये फीचर इसके बेस वेरिएंट के अंदर आपको दिया जाएगा। सेकेंड रो के सीट 60-40 में स्प्लिट हो जाता है। इसके अलावा इसके फ्रंट में आपको लेदर का आर्मरेस्ट मिलने वाला है और रियर में भी आपको आर्मरेस्ट मिलेगा बेस वेरिएंट के अंदर, लेकिन रियर में आपको कप होल्डर मिलेगा। वही सेकेंड रो के ऊपर आपको एसी वेंट्स भी मिलेगा, यूएसबी चार्जिंग पोर्ट्स भी मिलने वाले हैं। तो ये सभी चीज़ें आपको मिलने वाले हैं एस्टर के बेस वेरिएंट के अंदर, यानी स्टाइल इस वेरिएंट के अंदर। वही अगर मैं सेफ्टी फीचर्स की बात करूँ तो स्टाइल इस वेरिएंट के अंदर लगभग आपको अच्छे खासे सेफ्टी फीचर्स मिलने वाले हैं, जैसे कि हील डिसेंट कंट्रोल, ये सेफ्टी फीचर आपको मिलने वाला है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, फ्रंट ड्यूल एयरबैग्स आपको मिलेंगे ABS के साथ ABD, इसके अलावा ब्रेक असिस्ट सिस्टम भी आपको मिलने वाला है, हील होल्ड कंट्रोल और सभी डिस्क ब्रेक आपको मिलने वाले हैं, ना कि ड्रम ब्रेक। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है एस्टर का। इसके अलावा रियर पार्किंग सेंसर, स्पीड सेंसिंग डोर अनलॉक, इसके अलावा ISOFIX चाइल्ड एंकर और अच्छे खासे सेफ्टी फीचर्स आपको एस्टर के बेस वेरिएंट के अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो ये हुए इंटीरियर फीचर्स और सेफ्टी फीचर्स। अब बात करते हैं एक्सटीरियर की। इसके एक्सटीरियर में आपको फुल LED हेडलाइट का सेटअप मिलने वाला है, ना कि हैलोजन का सेटअप। हालांकि MG कंपनी ने इसको हॉक आई हेडलैम्प का नाम दिया है, तो आपको फुल LED हेडलाइट का सेटअप भी मिलेगा और LED DRL की लाइन भी आपको MG एस्टर के बेस वेरिएंट एंड स्टाइल इस वेरिएंट के अंदर देखने को मिल जाएगी। हालांकि पहली बार किसी कार के बेस वेरिएंट के अंदर ये चीज़ें मैंने देखी है। इसके अलावा रिमोट कीलेस एंट्री, ये फीचर भी आपको मिलेगा। इसके डोर हैंडल के ऊपर क्रोम फिनिशिंग भी आपको मिलने वाली है। 16 इंचेस के व्हील्स इसके अंदर आपको मिलेंगे, डायमंड कट अलॉय व्हील नहीं मिलेंगे, सिर्फ नॉर्मल व्हील्स इसके अंदर दिए जाएंगे। इसके अलावा ORVM के ऊपर टर्न इंडिकेटर का फंक्शन भी मिलेगा, शार्क फिन एंटेना और अच्छे खासे एलिमेंट्स आपको एस्टर के बेस वेरिएंट के अंदर ऑफर किए जाएंगे। तो ये सभी फीचर्स MG एस्टर के बेस वेरिएंट के अंदर इंक्लूड करे गए हैं। मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया पैकेज आपके लिए साबित हो सकता है इस प्राइस रेंज में। आपको इतने ज़बरदस्त फीचर्स हालांकि MG कंपनी ने इंक्लूड किए हैं, तो ये काफ़ी हद तक कमाल की बात है। हालांकि MG कंपनी ने ADAS लेवल 2 टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, वो ऊपर वाली ट्रिम्स के अंदर आ जाती है, लेकिन बेस वेरिएंट के अंदर वो फीचर आपको नहीं मिलेगा और कार कनेक्टेड फीचर्स भी आपको इस बेस वेरिएंट के अंदर नहीं मिलेगा। हालांकि कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो कि मिस आउट है। अगर आप इन चीज़ों को ज़्यादा यूज़ नहीं करते तो MG एस्टर का जो स्टाइल वेरिएंट है ये आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकता है। अगर आपको मैनुअल ट्रांसमिशन चाहिए, इसके बेस वेरिएंट के अंदर सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन आता है, ना कि CVT या फिर ऑटोमेटिक।
तो ये एक चीज आप नोटिस कर सकते हैं। वही अगर मैं कीमत की बात करूं तो एस्टर की बेस मॉडल की कीमत इंडियन मार्केट में रखी है लाइक 9.78 लाख रुपीज एक शोरूम प्राइस, और इसकी जो ऑन रोड कीमत है वो लगभग 11 लाख रुपए तक चली जाएगी। हालांकि आपकी सिटी के हिसाब से ये जो प्राइस रहेगी ये ऊपर नीचे हो सकती है। तो एस्टर का ये बेस मॉडल आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। तो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, राइड सेफ, वेयर हेलमेट, वेयर सीट बेल्ट। थैंक यू सो मच।